मुर्दाबाद 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 ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये सुल्तानपुर जिले की वो तस्वीरें हैं जिन्हें छुपाने में पूरा प्रशासन जुटा है, क्योंकि लोगों का गुस्सा सिस्टम की नाकामी की वजह से फूट पड़ा है। ये लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल बीती 28 नवंबर को सुल्तानपुर समेत पूरे प्रदेश में यूपीटीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई, जिससे परीक्षार्थी खासा नाराज हैं और उसी नाराजगी में सुल्तानपुर की सड़कों पर यह हंगामा हो गया। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। बीती 28 नवंबर को पूरे प्रदेश में यूपीटीईटी के एग्जाम होने थे, जिसके लिए परीक्षार्थियों ने कई महीने इंतजार किया। इतना ही नहीं, एग्जाम में पास होने के लिए इन सब ने कड़ी मेहनत भी की। इन सबको उम्मीद थी कि ये पूरी लगन और मेहनत के साथ एग्जाम देंगे और इन्हें चुन लिया जाएगा, लेकिन अफसोस, इनके एग्जाम देने से पहले ही किसी जालसाज ने पेपर को लीक करवा दिया। बीच वक्त में ही परीक्षा को रद्द कर दिया गया और सभी परीक्षार्थियों से पर्चे वापस जमा करवा लिए गए। प्रशासन की हरकत के बाद से परीक्षार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं परीक्षा रद्द होने से कांग्रेसियों ने पूरे जिले में जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही यूपी सीएम का पुतला फूंका। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। ये तस्वीरें सुल्तानपुर जिले में एसपी कार्यालय के बाहर की हैं, जहां दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। इतना ही नहीं, ये सभी यूपी सीएम का पुतला भी जलाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन सभी को ऐसा करने से रोकना शुरू कर दिया। लेकिन अफसोस, पुलिस इन्हें रोक ना सकी और कड़ी धक्का मुक्की के बीच कांग्रेसियों ने सीएम योगी का पुतला फूंक दिया। देखिए, योगी सरकार में वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे 0% टॉलरेंस है, जबकि ये सरकार में आज तक कोई परीक्षा बिना कोर्ट गए बिना लीक हुए नहीं हो सकी है। लाखों छात्रों ने इतनी मेहनत से तैयारी की थी, उनकी मेहनत पर आज जब वो परीक्षा सेंटरों पर किसी तरह ठंड में कपकपाते हुए पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि जिस परीक्षा की वो इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, योगी सरकार के नकारेपन के कारण वो परीक्षा रद्द कर दी गई है। इससे युवाओं को गहरा आघात पहुंचा है। मैं समझता हूं योगी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी घटना पर उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। उनको कुर्सी पर बने रहने का, मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं। परीक्षा रद्द होने के बाद जिले की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया गया। कांग्रेसियों ने जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बाद कई कांग्रेसियों को गिरफ्तार भी किया गया। यह खबर हमारे संवाददाता नफीस खान ने कवर की है। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।